इसी को एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें इचिजो और चितोगे को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहे थे। और तभी दो लड़कियां आ जाती है और चितोगे को गुड मॉर्निंग कहती है। तो चितोगे एकदम से शांत हो जाती है और फिर घबराते हुए उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है और फिर तीनों आगे चली जाती है। और फिर चितोगे को देख के इचिजो अपने मन में बोलता है कि अच्छा है कि चितोगे अब दूसरों के साथ बात करने लगी है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिजो और चितोगे पौधों में पानी दे रहे थे। और फिर चितोगे बोलती है काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी हाई स्कूल लाइफ वैसी ही जा रही है जैसा मैंने ड्रीम किया था। फिर जो इचिजो है वो बोलता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। फिर जो चितोगे है वो खुश होते हुए बोलती है बस मैं इस गधे से एक बार ब्रेकअप कर लूँ फिर मेरी हाई स्कूल लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। फिर ये सुन के जो इचिजो है वो उसको प्रिंसेस गोरिल्ला बोल देता है। तो ये सुनते ही चितोगे और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं वापस से। फिर हमें रूरी और ओनोदेरा को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को देख रहे थे। और तभी रूरी बोलती है कि तुम्हें इचिजो पे क्रश है ना। तो फिर ओनोदेरा एकदम घबराते हुए बोलती है ऐसा कब हुआ। फिर जो रूरी है वो बोलती है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं नहीं बता सकती। तो फिर ओनोदेरा बोलती है कि इचिजो के पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, मैं बस उनके रास्ते में आऊंगी। तो फिर जो रूरी है वो बोलती है कि मैं पक्का कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि जो इचिजो है उसको भी तुम पे क्रश है। ये सुनते ही जो ओनोदेरा है वो काफी ज्यादा शर्मा लग जाती है और फिर वो बोलती है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और फिर जो रूरी है वो ओनोदेरा के पास आती है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसको बोलती है ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि बोलता है कि तुम किसी के प्यार में नहीं पड़ सकते जो किसी और को पसंद करता है। फिर जो ओनोदेरा है वो बोलती है ये तो तुमने सही कहा पर लेकिन। फिर जो रूरी है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए मैं कम से कम तुम्हारे लिए एक मौका तो बना ही सकती हूँ। फिर जो रूरी है वो एकदम से इचिजो के पास चली जाती है और फिर उसको उससे पूछती है क्या हम तुम्हारे घर में एक ग्रुप स्टडी करें आज। ये सुन के जो इचिजो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिजो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ग्रुप स्टडी के लिए आ चुके होते हैं। फिर जो याकुजा गैंग के मेंबर्स होते हैं वो सभी उनका स्वागत करते हैं। तो इचिजो बोलता है कि जल्दी से जाके हम सबके लिए चाय लेकर आ जाओ। फिर जो इचिजो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज अचानक से रूरी ने मेरे घर में ग्रुप स्टडी करने का प्लान क्यों बना लिया। पर लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि ओनोदेरा भी हमारे साथ है। इचिजो के रूम में जाने के टाइम जो चितोगे है वो काफी ज्यादा अजीब एक्ट करने लगती है। तो जो इचिजो है वो बोलता है कि तुम इतना अजीब एक्ट क्यों कर रहे हो। चितोगे बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप स्टडी कर रही हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। फिर वो सभी इचिजो के रूम में चले जाते हैं। तो फिर शू बोलता है कि मैं काफी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पर लेकिन सब कुछ वैसा ही है। फिर जो चितोगे है वो बोलती है कि ये काफी छोटा रूम है और बहुत गंदी बदबू भी आ रही है यहाँ से। तो फिर ये सुन के जो इचिजो है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है उस पर। फिर जो इचिजो है वो अपने मन में बोलता है कि तुम ऐसा ओनोदेरा के सामने कैसे। और यहाँ पे जो ओनोदेरा होती है वो तो कुछ और ही नशे कर रही होती है। वो इचिजो के रूम को सूंघती है और फिर सोचती है कि ये तो इचिजो की स्मेल है। और तभी जो इचिजो और ओनोदेरा की नज़र मिलती है एक दूसरे से और जो ओनोदेरा है वो एकदम से अपनी नज़र घुमा लेती है। ये देख के जो इचिजो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी याकुजा गैंग का एक मेंबर चाय लेके आ जाता है। तो इचिजो चाय लेता है और तभी जो ओनोदेरा है वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और उन दोनों का जो हाथ होता है वो टच हो जाता है जिसकी वजह से जो दोनों हैं वो एकदम पीछे हो जाते हैं और चाय उड़ा देते हैं। और फिर वो लोग स्टडी करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे जो इचिजो है वो सोचने लगता है कि मैं पता नहीं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अपने काम में फोकस करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। फिर जो ओनोदेरा है वो रूरी से एक सवाल पूछती है कि ये कैसे करना है। तो फिर जो रूरी है वो मना कर देती है और बोलती है कि तुम इचिजो से क्यों नहीं पूछते। उसकी बात मानते हुए ओनोदेरा इचिजो के पास चली जाती है और उससे वो सवाल पूछती है। तो जो इचिजो है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ओनोदेरा मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, वो कहीं मेरी हार्ट बीट ना सुन ले। फिर जो इचिजो है वो अपने आप पे कंट्रोल करता है और फिर उस सवाल को देखता है। तो वो देखता है कि वो सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो भी नहीं कर सकता। तो फिर जो चितोगे है वो उनको बताने लग जाती है। तभी इचिजो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अपना काम क्यों नहीं करती। तो फिर जो चितोगे है वो बोलती है कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है। फिर इचिजो बोलता है फालतू की बकवास मत करो, हमें तीन वर्कशीट मिली है होमवर्क में। तो फिर जो चितोगे है वो उसको तीनों वर्कशीट दिखा देती है। ये देख के इचिजो अपने मन में बोलता है कि कौन जानता था कि इस गोरिल्ला के पास इतना अच्छा दिमाग है। तभी जो चितोगे है वो ओनोदेरा से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद कर सकती हूँ। और फिर वो इचिजो को साइड में धक्का मारते हुए ओनोदेरा को समझाने लग जाती है और फिर ओनोदेरा उसकी तारीफ करने लग जाती है। ये देख के जो इचिजो है वो रोने लग जाता है। फिर जो चितोगे है वो इचिजो को देख के एक अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। तो फिर जो इचिजो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जो चितोगे है वो एकदम से डायरेक्ट ओनोदेरा से पूछ लेती है कि क्या तुम अभी किसी को पसंद करती हो। फिर जो इचिजो है वो बोलता है कि तुम ये फालतू का सवाल क्यों पूछ रही हो। तो चितोगे बोलती है कि ये बस लड़कियों की बातें हैं। तो चितोगे ओनोदेरा से बोलती है कि क्या मैंने कुछ अजीब पूछा। तो ओनोदेरा है वो बोलती है कि नहीं, अभी के टाइम में मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो ये सुन के जो इचिजो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका जवाब सुनने के बाद जो चितोगे है वो भी बोलती है मेरे पास भी अभी ऐसा कोई नहीं है पर लेकिन मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहूँगी कि प्यार में होना कैसा महसूस होता है। ये सुनने के बाद वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और तभी जो चितोगे है उसको याद आता है कि जो
इचियो है वो ही उसका फेक बॉयफ्रेंड है अभी के टाइम पे। फिर जो इचियो है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्श था। फिर जो चितोगे है वो बोलती कि मैं बस तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी। फिर जो शू है वो बोलता है कि तुम दोनों सही में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। और फिर वो एक अजीब सा सवाल पूछ लेता है जो कि होता है कि तुम दोनों अब तक क्या क्या कर चुके हो। और ये सवाल सुनने के बाद जो चितोगे होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पे इचियो शू का मुंह बंद करता है और उसको बाहर ले आता है। फिर वो शू को बाहर लाके उसको सारी सच्चाई बता देता है कि वो लोग क्यों फेक कपल का नाटक कर रहे हैं। ये सुन के जो शू है वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, वैसे मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम दोनों एक फेक कपल हो। तो फिर ये सुनते ही जो इचियो है वो गुस्से में उसको बोलने लगता है, फिर हमारे ऐसे मजे क्यों लिए तुमने। तो फिर वो बोलता है कि जस्ट ऐसी फन के लिए, और वैसे ओनोदेरे को क्या ये बात पता है। तो फिर इचियो बोलता है कि नहीं, हो सके तो उसको भी बता देना। और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें याकुजा गैंग के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्लान कर रहे थे इचियो और चितोगे को पास लाने के लिए। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इचियो और चितोगे को दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में जा रहे थे कुछ चाय लाने के लिए। फिर चितोगे बोलने लग जाती है कि मुझे फालतू में तुम्हारे साथ आना पड़ रहा है। तो फिर इचियो अपने मन में सोचता है कि मैं कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था ओनोदेरे के साथ, पर लेकिन अब मुझे इस गधी के साथ जाना पड़ रहा है। और फिर वो दोनों स्टोर रूम में पहुँच जाते हैं। तो फिर जो इचियो है वो स्टोर रूम का गेट खोलता है और फिर अंदर जाने लग जाता है। तो फिर जो चितोगे है वो अंदर नहीं जा रही होती है। तो फिर इचियो बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो चितोगे एकदम से मना कर देती है। और तभी याकुजा गैंग के जो मेंबर्स होते हैं वो उन दोनों को धक्का देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। और तभी याकुजा गैंग के मेंबर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। और फिर जो इचियो होता है वो दरवाज़ा ठोकने लग जाता है और बोलता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, पर लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। और फिर जो इचियो है वो चुपचाप बैठ जाता है और फिर वो पूछता है कि चितोगे क्या तुम ठीक हो, पर लेकिन जो चितोगे है वो कुछ जवाब नहीं देती। तो जो इचियो है वो बोलता है कि तुम वैसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली हो मैं जानता हूँ, पर लेकिन अभी तुम इतनी ज़्यादा चुप कैसे हो। और तभी चितोगे इचियो को पीछे से पकड़ लेती है और जो इचियो है वो एकदम से घबरा जाता है। तो फिर चितोगे बोलती है कि अगर तुम पीछे देखोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो फिर जो इचियो है वो बोलता है कि ये मत बोलना कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। और तभी चितोगे इचियो को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी तरफ मत देखना। और फिर वो बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ जब मैं छोटी और डार्क प्लेस में रहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं एक वॉशिंग मशीन में फंस गई थी और मैं 5 घंटे तक हिल भी नहीं पाई थी। और अब जब तुम्हें सारी बात पता चल गई है तो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। फिर इचियो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो अभी एकदम डिफरेंट पर्सन है, कौन जानता होगा कि इसके पास भी ऐसे कोई साइड हो। फिर इचियो चितोगे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं इसको अभी देखूँ तो ये एकदम एक लड़की की तरह है, मैंने इसके पहले इसको इस नज़र से कभी नहीं देखा है। और फिर वो काफ़ी अजीब अजीब बातें सोचना चालू कर देता है जो कि जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और तभी इचियो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करता है और अपने सर ज़मीन में मारते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना दिल ओनोदेरे को दूंगा, फिर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तभी चितोगे इचियो से बोलती है कि वहाँ पे एक सीढ़ी है। तो जो इचियो है वो बोलता है कि क्या तुम सीढ़ी में चढ़ोगी। तो फिर जो चितोगे है वो एकदम से मना कर देती है। तो फिर चितोगे है वो बोलती है कि क्यों ना तुम जाओ और फिर गेट खोल दो। तो फिर इचियो बोलता है कि मैं किसी लड़की को अकेला यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। तभी कुछ देर शांत बैठने के बाद चितोगे बोलती है कि क्यों ना तुम मुझसे बात करना शुरू कर दो, कोई भी टॉपिक चलेगा। तो फिर जो इचियो है वो बोलता है कि मैं क्यों करूँ। तो फिर चितोगे बोलती है वरना मेरे को डर लग रहा है। और फिर वो पूछती है कि तुम ओनोदेरे के बारे में क्या महसूस करते हो। तो फिर जो इचियो है वो एकदम से शुरुआत में घबरा जाता है, फिर वो उसकी ओनोदेरे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर। और तभी इचियो अपने मन में बोलता है कि मैं फ्लो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोलेगा, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं ओनोदेरे को पसंद करता हूँ। पर लेकिन जो चितोगे है उसको भी कुछ समझ नहीं आया होता है और वो भी ओनोदेरे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है। ये देख के इचियो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और तभी चितोगे बोलती है कि मेरे को अब डर नहीं लग रहा, तो चलो सीढ़ी से अब बाहर निकलते हैं। और तभी जैसे ही वो खड़े होने वाली होती है वैसे ही वो फिसल जाती है और इचियो के जाके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पास आने की वजह से वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि। और तभी क्लॉट माई लेडी करते हुए दरवाज़ा खोल देता है और उन दोनों को इस पोजीशन में देखते हुए वो इचियो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और तभी वहाँ पे रूरी और ओनोदेरे भी आ जाती हैं और उन दोनों को इस पोजीशन में देखते ही ओनोदेरे का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और फिर वो रूरी के हाथ पकड़ के एकदम से भाग जाती है अपने घर। और फिर जो इचियो है वो रोने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ओनोदेरे। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे चितोगे नहा के निकली रहती है। और फिर हमें उसकी डायरी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने इचियो के बारे में बहुत कुछ बुरा भला लिखा रहता है। उसके बाद चितोगे कुछ सोचती है और अपने डायरी में लिख देती है और बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं का। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें उसकी डायरी के पेज को दिखाया जाता है जहाँ पे इचियो की पूरी तरीके से तारीफ भी नहीं और पूरी तरीके से बेइज्जती भी नहीं
हुई है उस पेज को दिखाया जाता है और इसी तरीके से उस पेज को दिखाते हुए एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट्स में बताना कि एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।